एक वीर था इस देश का, जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। वो एक जांबाज था, उनका आखिरी कथन था, मरूंगा यही मरूंगा पर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज से करीब 60 साल पहले, समय था 1962 का, भारत चीन सीमा पर जंग छिड़ी हुई थी। तभी एक जांबाज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सीमा के पार आज भी उस जांबाज का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। असल में वो सैनिक आज भी ड्यूटी कर रहा है, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि उस जवान को शहीद हुए आज 60 साल बीत गए हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि उस जवान को आज तक रिटायर्ड नहीं किया गया? वेतन भी मिलता है, छुट्टी भी मिलती है। आज वो जवान राइफलमैन से कैप्टन तक पहुंच गया है। आखिर क्या कहानी है उस जवान की, और वे दो लड़कियां कौन थी जिन्होंने सरहद पर इस जवान के साथ मोर्चा संभाल रही थी? दोस्तों, ये कहानी उस जवान की है जिन्होंने जाते जाते ऐसा कारनामा कर दिखाया कि अकेले बॉर्डर पर करीब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर सैकड़ों चीनियों से लोहा लेते हुए उन्हें एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। दोस्तों, आप भी उस जवान की दास्तान सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो चलते हैं इतिहास की पुराने पन्नों में। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर महिपाल, और आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देशभक्ति वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समय था 1962 का, चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे, और ये जगह थी नूरा नोंग की पहाड़ी। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल की 4th बटालियन चीन का सामना करने पहुंच गई थी। हर तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। नूरा नोंग की पहाड़ी 14,000 फीट ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका अब युद्ध में तब्दील हो गया था। चीनी सेना बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गढ़वाल राइफल की इस भारतीय टुकड़ी में बहुत ही कम सैनिक थे। गैर बराबरी का मुकाबला देखकर भारत की टुकड़ी को वापस लौटने का आदेश दे दिया था। पलटन वापस लौटने को थी, तभी 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था, और ये जवान थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुंसाई। इन्होंने ठान लिया था कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, इसी मिट्टी की हिफाजत में शहीद हो जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे तो दूसरी तरफ 3-4 बंकर में केवल 3 भारतीय सैनिक। चीनी सेना बॉर्डर पर हर तरफ हावी हो रही थी। असल में चीनी सेना बॉर्डर पर अचानक धावा बोल दिया था। चीनी उम्दा हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसले से उनका सामना कर रही थी। अब दुश्मनों की गोलियों से एक एक कर साथी बिछड़ रहे थे। अब हिंद का शेर अकेला था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। भागने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने सामना करना ही उचित समझा और अपने मकसद से डिगे नहीं। पहाड़ी के पीछे हजारों की संख्या में ये बंदा अकेला ही लड़ रहा था। करीब 3 दिन तक चीनी सेना को ये समझ में ही नहीं आया था कि उस पहाड़ी के पीछे भारतीय आर्मी के कितने सैनिक हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने यहाँ एक योजना के तहत काम किया था और बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत तीनों बंकरों पर इस तरह राइफलें सजा दी कि दुश्मनों को लग रहा था कि काफी संख्या में भारतीय आर्मी मौजूद है। भारतीय आर्मी का कनेक्शन इस पहाड़ी से पूरी तरह टूट चुका था। राइफलमैन जसवंत सिंह भूखे प्यासे अकेले लड़ रहे थे, और इसी दौरान इस पहाड़ी एरिया में मोनपा जनजाति का एक परिवार इनके लिए देवदूत बनकर उभरा। इसी परिवार की नूरा और शैला नामक दो लड़कियों ने राइफलमैन जसवंत सिंह की
पूरी मदद की थी। यहाँ तक कि चीनी राइफलें लाकर भी इन लड़कियों ने इस जवान को मुहैया करवाई थी। असल में पहाड़ी लोग बहुत ही बहादुर होते हैं और इन पहाड़ियों का वे चप्पा चप्पा जानते हैं। इस तरह एक जवान और दो लड़कियां बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का अकेले सामना कर रहे थे। तब तक करीब 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मगर एक भयानक रात में नूरा नामक ये लड़की जवान के लिए भोजन ला रही थी और बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने देख लिया था और तुरंत ही इस सेना ने नूरा को घेर लिया और इस तरह इस अकेले जवान का राज भी उगलवा लिया था। चीनी सेना समझ ही नहीं पाई थी कि पहाड़ी के पार लड़ने वाला जवान केवल एक है। ये जानकर चीनी सेना हैरान में पड़ गई थी कि अकेला बंदा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ऐसे लग रहा था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जवान मौजूद हो। अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को चीनी सैनिकों ने घेर लिया था। जसवंत सिंह भी 72 घंटे से लगातार लड़ रहे थे और वे जख्मी भी हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। वे लगातार फायर कर रहे थे, मगर दुखद बात यह थी कि अब तक भारतीय सेना का उन्हें कवर नहीं मिल पाया था। अब चीनी सैनिक हैवानियत पर उतर आए थे। उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़कर उनका सिर काट दिया था और फिर उस सिर को चीन ले गए थे। असल में यह बात चीनी सेना ने ही बताई थी। चीन की सेना ने भी राइफलमैन जसवंत सिंह पर गर्व किया था और सह सम्मान जसवंत सिंह का सिर वापस पहुंचाया था। साथ ही एक पीतल का सिर बनाकर भी भेजा था जो आज भी उस पहाड़ी पर मौजूद है। असल में जहां जसवंत सिंह लड़े थे उन पहाड़ियों को आज जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहां सेना ने एक मंदिर भी बना रखा है और इसी मंदिर में चीन का दिया हुआ पीतल का सिर आज भी पूजा जाता है। यह अमर जवान आज भी सरहद की रखवाली कर रहा है। यहां भर्ती होने वाला सेना का जवान हो या फिर जनरल, बाबा जसवंत सिंह की हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। इस मंदिर में 5 सैनिक रात दिन जसवंत सिंह की सेवा में लगे रहते हैं। उनको नाश्ता देते हैं, कपड़ों पर प्रेस करते हैं और उनका रोजाना बिछावन किया जाता है। सरहद के अमर जवान की गाथा यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। सेना के रजिस्टर में आज भी उनकी ड्यूटी चल रही है। वे राइफलमैन से अब तक कैप्टन बन गए हैं और उन्हें आज तक रिटायर्ड नहीं किया गया। वेतन के साथ साथ छुट्टियां भी मिलती है। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह का जन्म पौड़ी गढ़वाल में गुमान सिंह रावत के घर हुआ था। 17 साल की उम्र में फौजी बनने की ख्वाहिश में गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दूसरी बार वे राइफलमैन बनकर सेना में भर्ती हुए थे। आज भी उस पहाड़ी एरिया में जसवंत सिंह को याद किया जाता है। वे उनकी मुराद पूरी करते हैं और सैनिकों के सपनों में भी आते हैं। इस तरह यह जवान आज भी सरहद की रखवाली कर रहा है। नमन है ऐसे वीरों को। कैप्टन जसवंत सिंह रावत के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।